Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss reduction of nitroarenes. These nitroarenes are also called aromatic nitro compounds. Inko aromatic nitro compounds bhi aap bolte hain. Aromatic nitro compounds. Okay? तो आज इसके किस तरह से इसका रिडक्शन किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे. एक्चुअली जो रिडक्शन होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, तो इस वजह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एसिडिक मीडियम में कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, और अगर आप कहें कि अल्कलाइन मीडियम में कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, उसी तरह से अगर आप न्यूट्रल मीडियम में अगर लेके चलें तो फिर कुछ और प्रोडक्ट बनता है. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, तो देखिए एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में मैं एक एरोमेटिक सिंपल नाइट्रो कंपाउंड बना रहा हूं आपके सामने. देखिए बेंजीन रिंग हो गई, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपने लगाए, यहां पर NO2 ग्रुप है. ठीक है, जब आप इसका रिडक्शन करते हैं तो स्टेप वाइज जब आप रिडक्शन करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट इसमें बनेंगे. ठीक, जैसे रिडक्शन मीन्स तो देयर आर मेनी मेनी डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन, जैसे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसके बेस में आप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग किया जाता है. ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बेस में आप इन या आउट करने के बेस में रिडक्शन को बोलते हैं. तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसमें से या तो आप हाइड्रोजन ऐड करिए या ऑक्सीजन को आउट करिए, तो इस तरह की भी आप क्या बोल सकते हैं इसमें रिडक्शन के प्रोसेस को बोल सकते हैं. तो मैं एक स्टेप वाइज देखिए, एक यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन कम कर देते. देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो एक कंपाउंड अगर एक ऑक्सीजन कम करेंगे, अभी हम केवल आपको कंपाउंड के बेस में बता रहा हूं, अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं. देखिए तो ये हो गया NO. ठीक है, ये लग गया, एक O कम कर दिया हमने, तो इट मीन्स NO बन गया. अगर इसको आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आपने क्या कर दिया इसको, देखिए N डबल बॉन्ड O कर दिया आपने, इसको N डबल बॉन्ड O कर दिया, और 1, 2, 3, 4, 5 एक क्या है यहां पर लोन पेयर है. तो ये था नाइट्रोबेंजीन. ओके, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया तो पहले ये बन गया, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोबेंजीन. नाइट्रोसोबेंजीन ये तो हो गया आपका नाइट्रोसोबेंजीन. ओके, नाउ फर्दर अब आप इसमें अगेन अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए पाई बॉन्ड को यहां पर से हटा रहे हैं, एक एच यहां ऐड कर दे रहे, एक एच यहां एच करते रहे, ऐड कर दे रहे. देखिए कैसे, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका आ गया एन ओ एच, और यहां पर आपका आ गया एच, तो आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन आप बोलते हैं. ओके, हाइड्रोक्सिल एमीन एरोमेटिक है, बेंजील एमीन, ये नो बेंजीन एमीन, या आप कहें कि हाइड्रोक्सिल एमीन, अभी मैं केवल ये बोल रहा हूं एनएच ओएच के बेस में हाइड्रोक्सिल एमीन बोल दे रहा हूं. ठीक है, अब इसको फर्दर आप करेंगे इसको रिएक्शन, तो अब क्या होता है, देखिए इसमें से पूरा का पूरा ये जो आपका OH ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि O भी है अभी, वो पूरा रिमूव हो करके कुछ इस तरह का बन जाता. देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे आ जाएगा, ये हटेगा. ओके, एक तरह से एक एच यहां लगा, एक एच यहां लगा तो वाटर आउट हो गया, तो इसको मैं पूरा बना देता हूं, ये आपका ये हो गया एनिलीन. ठीक है, तो आप देखिए एक था कंपाउंड ये पहले स्टार्टिंग में नाइट्रोबेंजीन, फिर नाइट्रोसोबेंजीन, फिर ये बेंजीन, इसको पूरा लिखते थे चलिए बेंजीन हाइड्रोक्सिलेमीन. ओके, उसके बाद आपने क्या किया, ये पूरा ग्रुप जो है 100% आपका रिड्यूस हो करके NH2 ग्रुप यहां पर आ गया, तो उसके लिए एक वर्ड एनिलीन बोलते हैं हम, तो ये आपका लग गया. तो ये पूरी एक रिडक्शन की प्रोसेस है, अल्टीमेट प्रोडक्ट आपने बना दिया. नाउ अब कंडीशन है, देखिए एसिडिक मीडियम होगा तो ये कहीं तक चेंज होगा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो कहीं तक चेंज होगा, हो सकता है कि अल्कलाइन मीडियम है तो कुछ और बनेगा. ठीक है ना, ये तो हमने फाइनल प्रोडक्ट यहां तक पहुंचेगा. ओके, तो इसी तरह से अब हम इसको स्टेप वाइज स्टडी करेंगे, किस मीडियम में किस तरह के प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी रहती है. ओके, जैसे सपोज दैट
पहला हम पढ़ते हैं एसिडिक मीडियम में, पहला आएगा एसिडिक मीडियम। ओके, तो एसिडिक इट मींस उसमें HCl वगैरह या कोई और दूसरा एसिड उसमें ऐड करके आप बना सकते हैं। लेट इसके लिए मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, देखिए। लेट हमने एक लिया नाइट्रोबेंजीन, ओके, NO2 ग्रुप ले लिया, तो इसमें हमने या तो SN लिया 3, या हमने ले लिया एफ ही ले लिया और HCl मिला दिया। आपको इतना दिया होगा एग्जाम में, क्वेश्चन कभी दिया होगा, तो इसका प्रोडक्ट आपको बनाना होगा। तो इसमें आपको देखना है कि मीडियम क्या है। देखिए मीडियम एसिडिक मीडियम है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट तो बनता है हमारा फाइनली एनिलीन बनता है। इस वाले में फाइनली क्या बनेगा आपका, एनिलीन बनेगा। यहां पर NH2 ग्रुप लग जाता है, ठीक है। अब पहले इसके हम मैकेनिज्म लेके चलेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा कैसे इसकी मैकेनिज्म बनाई जाती है, क्योंकि जो मेटल इसमें लिया है, चाहे SN लिया है या Fe लिया है या इसके अलावा कोई और मेटल भी आपको दिया जा सकता है, मेटल का रोल क्या होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको जो कंडीशंस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि वहां पे जो मेटल है या नॉन मेटल है उनका रोल क्या होता है, उनकी अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इट मींस स्टार्टिंग वहीं से होगी, क्योंकि मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा। इट मींस वो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाएगा। इट मींस मेटल किसका काम करता, बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता। मेटल हमेशा किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसी तरह से जो नॉन मेटल होता है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे सपोज करें हैलोजन है, FClBrI अगर हम ले लें, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, क्योंकि ये दूसरे से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। इट मींस दूसरे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मींस दूसरे का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इट मींस खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो देखिए, पहले हम लेते हैं, देखिए नाइट्रोबेंजीन हमने लिया, तो नाइट्रोबेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर भी यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप नाइट्रोबेंजीन को लिखते हैं। डबल बॉन्ड ये हो गए N, नाइट्रोबेंजीन को जब आप बनाते तो N डबल बॉन्ड O और यहां पे आप O, ठीक है, और इस पे क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव, और इस पे क्या लग जाता है आपका, नेगेटिव लग जाता है। ओके, एग्जैक्ट VBT के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब आपने जब इसमें मेटल लिया, देखिए कोई भी मेटल है, अब हम यहां पर मेटल कौन सा लिया इसको भी नहीं लिखते, ठीक है। Whatever the metal, they give electron. Okay? तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ओके। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां कहीं पे अपने लिए जगह ढूंढेगा। तो यहां पे नाइट्रोजन में अभी देख रहे हैं आप पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन में पॉजिटिव माने ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया अपने आप में। देखिए इलेक्ट्रॉन पूरे हैं नाइट्रोजन के पास में, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपने आप में पूरे हैं। लेकिन पॉजिटिव क्यों है उसके पास में, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, ऑक्सीजन को डोनेट किया है, ओके, अपने आप में कमी नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पॉजिटिव के पास में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यही इसको इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को इंटरेक्ट करेगा, तो साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट करेगा, ओके, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन एक जगह भी बनाएगा, क्योंकि उसके पास में अभी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। नाइट्रोजन के पास में कितने ऑर्बिट होते हैं, आपके दो ही ऑर्बिट होते हैं, और दूसरे ऑर्बिट में एस और पी उसके पास में ऑर्बिटल होते हैं, वो ऑर्बिटल कंप्लीटली यूज हो चुके हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे यूज हो गए, देखो 1, 2, 3, 4 चार बॉन्ड है और आउटर मोस्ट में चार ऑर्बिटल भी है, एक एस है, 3 क्या है, पी है। तो ऑब्वियसली कि देयर इज नो एनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट, इट मींस वैलेंस ऑर्बिट, दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन में शिफ्ट करेगा, और दूसरा आपको एक फैक्टर और क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो पाई बॉन्ड कहां की तरफ शिफ्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या बनेगा वो देखिएगा, ये आपका आ गया, ये तो रहेगा ही अपनी जगह पर, ठीक है, नाइट्रोजन, ओके, ये यहां को हमने
कोई चेंज नहीं किया, ओ पे नेगेटिव है, ये अपनी जगह बना हुआ है। अब ये पाई बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट किया, तो जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन में तो नेगेटिव आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन में नेगेटिव आया ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन में एक पॉजिटिव और आया। ओके, एक पॉजिटिव तो पहले से था, ये यहाँ शिफ्ट किया एक पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव आया ये इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एक पॉजिटिव आपका क्या होगा, बना रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि क्या हुआ है, ठीक है। ओके, एक पॉजिटिव बना है और एक इलेक्ट्रॉन आपका और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो दो पॉजिटिव होते, एक पॉजिटिव खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आ गया, तो एक डॉट हमने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जो पॉजिटिव है वो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट नेचर हो गया है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना, देखो फर्दर स्टेप वाइज आपको चलते चले जाना है, ठीक है। अब यहां पर दो ऑक्सीजन है, दोनों पे नेगेटिवली चार्ज है। अब हम एसिडिक मीडियम है तो इसमें H प्लस यहाँ पे आप ऐड करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे तो देखो क्या बनता है। ओके, अब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर N आया और यहाँ पे अब एक तरफ कहीं भी देखो O नेगेटिव बोथ आर इक्विवेलेंट, तो कहीं भी एक जगह पर आपने क्या लगा देना है, ओ एच लगा देना है, और एक तरफ आपका क्या है ओ नेगेटिव बना हुआ है, और एक यहाँ पर क्या आ गया डॉट, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखिए यही चीजों को बार बार हमने अब रिपीट करना है, इन चीजों को फर्दर रिपीट करते चले जाना है, तो उसी को हम आगे आपको बताएंगे कि कितने बार में आपने इसको रिपीट करना। देखिए मैं इसको फर्दर एक दूसरे उससे आपको शो करता हूँ, दूसरे कलर में। देखिए मैं अब क्या क्या रिपीट करना है मैं उसको बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज है आपका नाइट्रोजन पे, तो आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पॉजिटिव को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओके, तो उसमें दो डॉट आ जाएंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ले रहे हैं इसमें, देखिए। ओके, एक इलेक्ट्रॉन और ले रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका। अब मैं यहाँ कलर से इसको डिफरेंट कलर में ले रहा हूं, देखिए ये आ गया N। ओके, एक डॉट पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और आया, ये दो डॉट हो गए, यहां पर OH आ गया और यहां पर आपका O नेगेटिव अपनी जगह पर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नाइट्रोजन में आप कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ में फर्दर, और वही रिपीट कर रहे थे, देखिए फर्दर आप हाइड्रोजन के साथ में आपको इसको रिएक्शन करना है, क्लियर, H प्लस के साथ में, ध्यान से देखिएगा H प्लस के साथ में। तो अब ये H प्लस ठीक है, ये यहां लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, O पे नेगेटिव है तो ये यहां लग सकता है। जैसे O पे नेगेटिव आएगा, N OH ये भी है, N OH ये भी होगा, एक ही के साथ में, एक ही नाइट्रोजन एटम के साथ में दो OH ग्रुप हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा क्या रहेंगे आपके, इनएक्टिव रहेंगे, या ये कहेंगे कि अनस्टेबल रहेंगे, वो अनस्टेबल है, नॉट इनएक्टिव, अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्ट, या तो मैं आपको दोनों तरीके से भी शो कर सकता हूं कि ये H प्लस, चलिए मैं यहीं से शो कर लेता हूं, ये आ गया देखिए, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए, ये N, ये OH आ गया, ठीक है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और यहां भी OH है। अब इसके बाद क्या होना है वो देखना आप, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये अनस्टेबल है तो ये यहां से फर्दर मैं ऐसे जा रहा हूं, देखिए ये जो O और H के बीच का बॉन्ड, चाहे इधर का लो या इधर का लो, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करेगा, और ये H जो है ये एज ए H पॉजिटिव किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए अब क्या हुआ, ये आ गया आपका N, यहां पर क्या बन गया बोलिए, डबल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड बन तो गया, अब देखना इसमें क्या हुआ है, देखिए ओ एच, यहां पर एच, यहां पर पॉजिटिव आ गया, देखिए अब होना क्या है, साथ साथ क्या होना, देखिए मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दे रहा हूं कि जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये इधर आएगा, तो अभी अगर आप यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भी लगा देते, देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन भी अगर आप ऐसे ही रहने देते हैं, तो नाइट्रोजन में आप पोजिशन गिनिए, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की जो संभावनाएं वो ज्यादा होंगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो रहा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक बार, ये जब यहां शिफ्ट करेगा
तो यहां पे जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो ये भी आउट होगा, इट मींस ये सब चीजें साथ साथ चलेंगी। ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां पे ना बन करके सीधे सीधे आपको क्या कर देना है, यहां पर हो जाएगा माइनस क्या, H2O। ओके, इतनी चीजें साथ होगी। आप कभी भी जैसे चीजें गलत होने की संभावना है तो आप बना लीजिए उसको एक बार कि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इट मींस हमने कोई ना कोई स्टेप क्या किया है, वहां पे स्किप किया हुआ है। तो अगर आप इसको आप देखेंगे तो ये अपने आप में जो है कंप्लीट मिलेगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें और एक स्ट्रक्चर यहां पे हमने बनाया था, देखिए ये वाला नाइट्रोसोबेंजीन, इट मींस आप नाइट्रोसोबेंजीन तक तो आप पहुंच गए, नाइट्रोसोबेंजीन। ओके, तो आप इसको अगर आप देखें नाइट्रोसोबेंजीन तक आप पहुंच गए हैं, तो इसके बाद फर्दर अगर आप इसको देखें, जैसे ये आपने देखा नाइट्रोसोबेंजीन, अगेन आप दो चीजें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेकर के दोबारा से अगर इस पूरे स्टेप को रिपीट करेंगे तो ये आप कहां पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे आप इस वाले बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो मैं इसमें आपको बता दूं दो में कैसे आपको करना है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें फर्दर आपने इलेक्ट्रॉन के साथ में, क्योंकि SN, Fe और HCl तो ये पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करेंगे। ओके, वो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ ऐड होगा, आपको उसको देखना है कि कहाँ ऐड होगा। देखिए कैसे आपको इसको करना, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो ये नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन में कैसे होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन में ऐड हो जाएगा, ठीक है, डॉट आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद बना लेते हैं, चलिए देखिए ये हो गया आपका एन ओ पे नेगेटिव। ओके, ये हुआ, जैसे पॉजिटिव आया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ओके, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो नाइट्रोजन पॉजिटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बन गया आपका। इसके बाद आप फर्दर आपने क्या करना, देखो अब अगर आप H प्लस का रिएक्शन करेंगे, देखिए अब H प्लस का रिएक्शन कर लेते हैं एक बार, देखो ये हो गया N OH, कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉट हो गया। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है कि देखो कितने बार रिपीट हो रही रिएक्शन, इसके बाद मैं इसको लेके जाता हूं यहां, इसको यहीं पे बना लेते, देखिए ध्यान से देखिएगा ये NOH जो है, अब इसके बाद अगेन यहां पर इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन करेगा तो ऐसा आ जाएगा, देखिए ये हो गया NOH, ये हो गया और N पे क्या आ जाएगा, अब आपका नेगेटिव आ जाएगा। देखिए कैसे नेगेटिव आया, ये दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पहले से थे, एक आया, ठीक है, वो एक किसको न्यूट्रल किया था, पॉजिटिव को, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो N पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें रिएक्शन किसकी होगी बोलिए, H प्लस ये ले लेगा, कहां से लेगा, एसिड उसमें पड़ा हुआ है, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H पॉजिटिव की जरूरत है वो ले लेगा। अब यहां पे क्या बन गया आप देखिए, इजी गोइंग है, एन एच इससे लग गया और एक ओ एच इधर लग गया, एन एच ओ एच, आप देखो तो कौन सा बना, सेकेंड बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन तक आप पहुंच गए। अब बहुत इजी गोइंग और है, देखिए अब आपने क्या करना है, इसमें H प्लस का और दोबारा से रिएक्शन करना है, H प्लस का रिएक्शन कर लेते, देखिए देखिए H प्लस में यहां पर एक साथ ही दो ले लेता हूं, कैसे देखिए, एक H प्लस जो है लोन पेयर के साथ में जुड़ जाएगा और एक H प्लस यहां पर ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है तो दो H प्लस ले ले रहे, देखिए एक H प्लस इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा और एक H प्लस इसके साथ में, दोनों को एक साथ लेकर के, जिससे कि थोड़ा सा स्टेप आपके क्या हो जाए, कम हो जाए, आप चाहे तो स्टेप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ओके, एन एच एक एच और लग गया यहां पे, ओके ओ एच एक एच इसके साथ में जुड़ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया और नाइट्रोजन में भी यहां पर क्या है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिए एक एच प्लस यहां लग गया नाइट्रोजन में पॉजिटिव, एक एच प्लस ओ के पास में गया ओ पे पॉजिटिव, तो अब आपका क्या होगा, जो ओ और एन के बीच में बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये तो शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो एक हो जाएगा आपका क्या, माइनस H2O।
देन आपका क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो अब आपका क्या बना जरा देखिए, नाइट्रोजन में पॉजिटिव तो खत्म हो गया, अब आपका बन क्या जाएगा, ये आ गया आपका NH2 लग गया। ये कौन सा बन गया देखिए, एनिलीन। ओके, ये एनिलीन बन गया। तो इस तरीके से आपको इस पूरे मैकेनिज्म को समझना है। देखिए दो स्टेप हमने देखे आपके, एक तो नाइट्रोसोबेंजीन तक आपने पहुंचाया, फिर उसके बाद बेंजीन हाइड्रोक्सिलेमीन तक आपने पहुंचाया, फिर एनिलीन तक आपने लिया इसको। तीनों चीजें आपको यहां पर समझनी है। तो इस तरीके से जो है ये अपना फर्दर आपका एनिलीन जो लास्ट एंड फाइनल जो कंपाउंड बना हुआ है वो एनिलीन किसके साथ में, ये जो एसिडिक मीडियम है ये वाला जो हमने लिया था। तो एसिडिक मीडियम में जब कभी भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप एनिलीन तक आप पहुंचा दीजिएगा। और इसके बाद अभी देखेंगे हम, अभी मैं न्यूट्रल मीडियम में भी आपको बताऊंगा कहीं पर नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा और कहीं पर जो है बेंजीन हाइड्रोक्सिलेमीन भी बन सकता है। और एल्कलाइन मीडियम में जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि उसमें डाइमर प्रोडक्ट बन जाता है, दो अलग अलग जो है, जैसे नाइट्रोबेंजीन दो मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन के यूज हो जाएंगे तो डाइमर जैसे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो उसको भी हम स्टेप वाइज नेक्स्ट में वीडियो में उसको आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यूट्रल मीडियम एंड एल्कलाइन मीडियम। ओके, थैंक यू।